आगरा में बॉयज ऑफ स्कूल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जो कि पिछले 10 वर्षों से शिक्षक अभिभावक मैनेजमेंट एवं छात्र छात्राओं के बीच समन्वय का कार्य कर रहे हैं एवं देश हित में सहयोग एवं उत्थान में सहयोग करने वालों का सम्मान लगातार करती आ रही है। इसी श्रृंखला में इस वर्ष भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लगभग 150 से 200 शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान समारोह का कार्य जेजी सभागार मिल्टन पब्लिक स्कूल अभदपुरी आगरा में भव्य रूप से आयोजित किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के बच्चों ने गणेश वंदना गाकर और सरस्वती वंदना से आरंभ की। इसके पश्चात विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्टूडेंट्स के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसके लिए उनको प्रेरणा मिलती। मैं बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि वो लगातार इस प्रयास में शिक्षा को व्यवसाय बना करके शिक्षा को अपना धर्म अपना कर्तव्य मान करके राहुल राज जी काम कर रहे हैं। आज भी लगातार मैं देख रहा हूँ तमाम नए नए शिक्षक जो नए अभी जिम्मेदारी संभाली है उनको भी सम्मानित करने का काम किया है। ऐसे स्कूल स्तर पर जितने ही लोगों को सम्मानित किया है, जो गुरुजन तो गुरुजन होते हैं, शिक्षक शिक्षक होते हैं। हम लोग हमारी सोसाइटी में जितना सम्मान, चाहे वो कितना ही IAS IPS कितना ही डॉक्टर कोई बन जाए, जितना सम्मान शिक्षक का है शायद किसी का नहीं है। ऐसे अवसर पर मैं पुनः आज के शुभ अवसर पर, चूँकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, उन्होंने ऐसा शुभ दिन चुना है, इसके लिए मेरे को सात बार बधाई और धन्यवाद। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हम उसके अवसर पर और इस बार पूरा महा मनाया और आज बहुत ही शुभ रूप में माननीय देश के श्री प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन और यहाँ सभी शिक्षक शिक्षा मौजूद हैं। लगभग 200 से 250 शिक्षक शिक्षक हैं। यहाँ तक ना तो प्रदेश सरकार, ना केंद्र सरकार, ना ही कोई भी प्रशासनिक अधिकारी तक पहुँच पाता है, क्योंकि ये सभी वहाँ से हैं जहाँ एक छोटे एरिए के अंदर एक सीमित संसाधनों में चल रहे हैं उनको, और जो प्रतिष्ठित हुए हैं धीरे चल चल के, उन टीचर्स को हमने यहाँ बुलाया है जिससे वो आगे आने वाले समय में देश का विकास करें और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने में हमारा देश में सहयोग हो सकता है वो करें। साथ ही 70% शिक्षा जो निजी विद्यालय दे रहे हैं आज पूरे देश में, इनकी कहीं ना कहीं इनकी गुणवत्ता की गणना प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को करनी होगी। इस उद्देश्य के साथ आगे वो सब यही एम है कि इनकी पहचान बने और ये आगे नाम रोशन करें। कई सारे बच्चों को IIT मेडिकल स्कूल कर दिया, स्कूल का ही छात्र रहा हूँ और अनाउंसर के आशीर्वाद से मैं आज बहुत अच्छे मुकाम पर हूँ। इस समय मैं गुरुजन कॉम्पिटिशन स्कूल में IIT मेडिकल के बच्चों को तैयारी कर रहा हूँ और तब भी खुद की क्लासेस भी चलती है मेरी न्यूट्रोन क्लासेस के नाम से, क्योंकि अर्जुन नगर खींचा आज सम्मान समारोह हुआ है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर मुझे आज ही बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला और गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, तो इसके लिए मैं तहे दिल से मिल्टन पब्लिक स्कूल का डॉक्टर राहुल राज सर का हार्दिक अभिनंदन। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। सहारनपुर में IGRS पोर्टल पर की जा रही लंबे समय से शिकायतों का आज पुलिस लाइन सभागार में निस्तारण किया गया। SP देहात सूरज कुमार राय ने IGRS पोर्टल पर की गई शिकायतों के बारे में पीड़ितों से जानकारी ली और यह जानने की कोशिश की आखिरकार उनकी समस्याओं का निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा। उनके द्वारा IGRS पोर्टल पर इतनी शिकायतें की जा रही हैं। IGRS पोर्टल पर पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों के लिए संबंधित थाना अध्यक्ष व क्षेत्र अधिकारी को तुरंत समस्या के निस्तारण के आदेश दिए गए। आज दिनांक 18 सितंबर 2020-2022 को IGRS के वो आवेदनकर्ता जिनकी 10 से ज़्यादा IGRS की शिकायत पड़ चुकी है हमारे पोर्टल पर, उनको आज पुलिस लाइन सभागार में बुलाया गया और संबंधित सभी क्षेत्राधिकारियों को, सभी CO महोदय लोग को बुलाया गया है और इसमें
जो आवेदन करता है उनको संबंधित सीओ को अलॉट किया गया है और यहाँ पे देखा गया है उनके द्वारा कि क्या समस्या है, क्यों इतनी जटिलता है कि लगातार बार बार इनको प्रार्थना पत्र देना पड़ रहा है और इनकी समस्या का निदान नहीं हो रहा है। तो उस संबंध में ये गोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें से ज़्यादातर मामले ऐसे हैं जो पुलिस के स्तर के नहीं हैं, रास्ते का विवाद है, नाले का विवाद है या अन्य कोई विवाद है जिसकी वजह से वो पुलिस के स्तर से उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है और बार बार ये प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं। इस संबंध में इनको बताया गया है, इनको हिदायत की गई है कि संबंधित विभाग से बात करके वहाँ कार्रवाई कराएं और जिनका निदान हो सके उनके लिए संबंधित अधिकारियों को मार्क किया गया है ताकि इनकी समस्या का निस्तारण हो सके। सर, कितने मामले का जनसुनवाई है, कितने ऐसे लोग हैं जिनसे कुल सहारनपुर जनपद में 11 ऐसे आवेदन करता हैं जिन्होंने 10 से ज़्यादा बार IGRS किया है। सबसे ज़्यादा एक देवबंद सर्किल का मामला है, उन्होंने 44 बार IGRS किया है और उनको यहाँ पर समझा गया गोष्ठी में। सर, क्या वो प्रकरण है जो 44 बार आवेदन करने के बाद अभी तक नहीं? देखिए, ये आकाश नरवाल नाम के व्यक्ति हैं, ये आए नहीं हैं और इनके द्वारा बताया गया कि रास्ते में आ रहे हैं। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। अटरू में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह पूर्वक नई धान मंडी प्रांगण में किया गया। विधायक पाना चंद मेघवाल के मुख्य अतिथि में आयोजित समापन समारोह की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी दिनेश मीणा ने की। कार्यक्रम में वशिष्ठ अतिथि प्रधान वंदना नागर, चेयरमैन सुशीला बाई, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद मीणा, जिला परिषद सदस्य योगेश नागर, हेमंत नागर रहे। आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्वागत की बेला में कार्यक्रम संयोजक प्रधानाचार्य चंद्र मोहन मीणा, DSP सोजीलाल, बृहत निरीक्षक रामगिलास गुर्जर, हाथी दिलौ सरपंच नवल धाकड़, वीरेंद्र सिंह, भामा शाह नरेंद्र सिंह चौहान, इंद्र गंदोलिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश सुम्बालका, पवन मालवीय, जगदीप सिंह दरवार, देवकरण मीणा, दिनेश प्रताप सिंह का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य चंद्र मोहन मीणा ने बताया कि 12 सितंबर से आयोजित ग्रामीण ओलंपिक में बारिश के खलल के बावजूद अनवरत खेल जारी रहा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद मीणा ने कहा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद प्रतियोगिता जारी रही, इसकी हमें खुशी है। बता दें आपको कि प्रतियोगिता आयोजन में शारीरिक शिक्षक रामलीला मीणा, राम प्रताप गोचर, राजेंद्र शर्मा, इकबाल अहमद, मनोज गुर्जर समेत 40 रेफरी मौजूद रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन मधुसूदन गौतम ने किया। कार्यक्रम दौरान बाली बाल, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो में विजेता उप विजेता टीमों को सम्मान से नवाजते हुए शील्ड व प्रमाण पत्र दिए गए। वहीं विधायक पाना चंद मेघवाल ने विजेता व उप विजेता टीमों को क्रमशः 21,000 व 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया। इसमें प्रथम स्थान पर रही आपका स्वागत अभिनंदन। इसी कड़ी में इकबाल जी अमर, जो कि बहुत ही अनुभवी हमारे शारीरिक शिक्षक हैं और आपका मार्गदर्शन हमेशा हमेशा हमें मिलता रहता है, मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मंच पे आने के लिए आपको आवाज देता हूं। कृपया मंच पर पधारें। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर रविवार को जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में जन आरोग्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसी क्रम में अयोध्या धाम के श्री राम चिकित्सालय में भी स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसका शुभारम्भ
महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने किया। इस मौके पर भाजपा महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, अयोध्या नगर अध्यक्ष बल कृष्ण वैश्य, श्री राम चिकित्सालय के CMS डॉक्टर सत्येंद्र सिंह व प्रशासनिक अधिकारी बाईपी सिंह ने बुके देकर उनका स्वागत किया। वहीं श्री राम चिकित्सालय के प्रशासनिक अधिकारी यश प्रताप सिंह ने बताया कि शिविर के दौरान हमारे सभी चिकित्सक OPD में मौजूद रहकर मरीजों को जरूरी परामर्श व निःशुल्क दवाएं दी गई। यही नहीं, रविवार होने की वजह से हमारे चिकित्सालय के सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने अपना सहयोग देकर शिविर को सफल बनाया। वहीं आज विश्व पल्स पोलियो दिवस का भी सफल पूर्वक निर्वहन कराया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ जन आरोग्य मेला लगाया गया है। ये स्वास्थ्य शिविर है, इसमें जितने भी मरीज आएंगे सबकी निःशुल्क जांचें होंगी। विभिन्न क्षेत्र के डॉक्टर जैसे आर्थोपेडिक, फिजिशियन, आई स्पेशलिस्ट, स्किन वाले सभी लोग डॉक्टर मौजूद हैं। जिस मरीज को कोई भी दिक्कत होगी उसका परीक्षण होगा, उसको संबंधित फ्री दवा भी मिलेगी। हाँ, इसके लिए विभाग की तरफ से माननीय महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। विशिष्ट अतिथि के रूप में महानगर भाजपा अध्यक्ष श्री अभिषेक मिश्रा जी थे और अतिथि हमारे बालकृष्ण शर्मा जी हैं जो मंडल के अध्यक्ष हैं। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा बेहतर स्वास्थ्य का, डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। राजस्थान के 12 छिपाबदौर तहसील मुख्यालय पर चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत टांचा के खिलाड़ियों ने पूरे दमखम के साथ खेल को खेल की भावनाओं से खेलकर 7 पॉइंट से विजय प्राप्त की। इस दौरान कबड्डी प्रतियोगिता के खेल में ग्राम पंचायत ढोलम और ग्राम पंचायत टांचा के मध्य फाइनल मैच हुआ, जिसमें टांचा के खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की। इस दौरान छिपाबदौड़ पुलिस थाना अधिकारी रविंद्र सिंह जादौन मय जाबता के खेल मैदान में तैनात और निर्णायक मंडल ने सभी खिलाड़ियों को खेल की भावनाओं से खेल खिलाया गया। इस दौरान खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ कर हौसला बढ़ाया और टांचा वर्सेस ढोलम के मध्य हुए फाइनल का रोचक मुकाबले में अगर टांचा जीतती है तो शिव मीणा भगवानपुरा की ओर से टांचा की टीम को 21,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आज का जो है मैच बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आपने जो मैच करवाया, क्या कहना चाहते हैं? ये देखो, राजस्थान में CM साहब ने पहली बार जो ग्रामीण ओलंपिक की योजना बनाई है उसका एक ही मकसद है, ग्रामीण में बड़ी बड़ी ऐसी खिलाड़ी छुपे हुए हैं, हस्तियां छुपी हुई हैं, उनको उभरने का मौका मिला है। जैसे टांचा टीम से जो कप्तान साहब थे कुलदीप गुर्जर, उनका वास्तव में स्टेट लेवल का खेल है। मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, इनका इस उम्र में ऐसा खेल है लेकिन इनको आज चांस नहीं मिला। इस माध्यम से जो उनको जो चांस मिला है मेरा पूरा आशीर्वाद है, ये बिल्कुल स्टेट लेवल तक जाएगा और ये हस्ती ऊपर उभरेगी। इस ओलंपिक मैच से, इस ग्रामीण ओलंपिक से कई हस्तियाँ और भी उभरेगी। रही बात शांति का, मैच में इस प्रकार की हुटिंग प्रदर्शन होता है, हर टीम अपनी अपनी टीम की जिताने के लिए हौसला अफजाई करती है। टांचा टीम के जो ग्रामीणों में जो दोस्त था उस दोस्त का भी इनको फायदा मिला है और अपनी टीम के लिए हौसला अफजाई करनी चाहिए। समापन लेके जा रहे हैं, भाई बहन आपने खिलाड़ियों का जो संवर्धन किया 51,000 रुपए की घोषणा करवा के, क्या संदेश देना चाहते हैं? पहली बात तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने जो
आज ये खेल चलाया, इससे आज हमारे पंचायत हमारे गांव की टीम जो आज शिव अवरोध तहसील के अंदर आज फर्स्ट टीम आई है, उसके लिए मैं बार बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो मेरे खिलाड़ी जितने भी हैं उसका मैं हौसला बुलंद करना चाहता हूँ, हर दिल से और दिल से इसको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। फर्रुखाबाद की कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के ग्राम कुबेरपुर निवासी हंसराज की पत्नी मोहिनी उम्र 22 वर्ष को शाम प्रसव पीड़ा होने पर आशा शहनाज द्वारा महिला को कायमगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इसके बाद आशा बहू ने परिजनों को बहला फुसला कर महिला को सुबह 4 बजे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बताते चले, जिले में प्राइवेट अस्पतालों से आशाओं को अच्छा कमीशन मिलता है। उस चंद पैसों के चक्कर में आशा बहू जिन पर जनता भरोसा जताती है, लेकिन वो चंद पैसों के लालच में किसी को भी मौत के मुँह में डालने से नहीं चूकती हैं। महिला की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम आपका? हंसराज। ये आप आपकी ये बाइक थी कौन थी? ये बाइक। क्या दिक्कत क्या हुई थी? सर कुछ नहीं, पेट में इनके दर्द तो हो रहा था, हम शाम को लेके आए। प्रेगनेंट थे? हाँ जी सर। कहाँ लेके आए थे? पहले सरकारी वाले में लेके थे सर, फिर उसके बाद उन्होंने मना कर दिया सुबह के टाइम पे। पहले रात तो बिठाया रखा, फिर सुबह टाइम पे मना कर दिया। फिर आप कहाँ लेके आए? फिर सर वो पड़ोस में हमारे रहती हैं, आशा नहीं है, आशा कहते हैं उनसे। आशा क्या नाम है? आशा का नाम नहीं पता सर। और उसके बाद उन्होंने यहाँ लेके आए। कहाँ लेके आए? किसी वाले में बोलो अनपढ़ हॉस्पिटल। फिर यहाँ क्या हुआ? इसमें ले गया, इन्होंने कहा थोड़ी देर बैठ करो। इन्होंने कहा भाई थोड़ी देर बैठ करा, हमने चलो इन्होंने देख लिया। इन्होंने कहा आप 2000 रुपये दो, हम दवाई लेके आएंगे सर। और उसके बाद बोला, फिर बोली कि हमारी अब बस से बाहर है, अब हम तो अपने दूसरे वाले हॉस्पिटल में ले चलेंगे, इनका ऑपरेशन होगा वहाँ लेके। यहाँ से तो अच्छी खासी लेके गए, हंसते खेलते गए। यहाँ अस्पताल कौन कौन गया था साथ में? यहाँ तो सर गए थे हम 6 लोग गए थे सर। नहीं अस्पताल कोई डॉक्टर वगैरह गया था? यहाँ से वो हाँ डॉक्टर नहीं गई थी, डॉक्टर नहीं गए थे, अपनी गाड़ी लेके गई थी सर। कहाँ ले गए थे? इनका खुद का हॉस्पिटल है, पता नहीं कहाँ है, फरकाबाद में। फरकाबाद में। हाँ फिर क्या हुआ? वहाँ लेके गए, वहाँ ये लेके गए, उतारते ही अंदर को छोड़ लिया। उसके बाद सर मुझे आ रहा देखने को नहीं मिला, उसके बाद मुझे मरा हुआ देखा है सर। तो बाहर पैसे जमा कराए जो वहाँ ले गए थे? हाँ सर, 1500 रुपये 1700 रुपये लिए थे वहाँ जमा कराए। हाँ चेकअप करवाई गए सर। तो अब आप डेड बॉडी लेके यहाँ पे आए अनुपम हॉस्पिटल में? हाँ जी। अब ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं सर, देखते हैं क्या कहेंगे। पुलिस पहुँची या नहीं पहुँची? पहुँची सर। पुलिस क्या कह रही है? कह रही है कार्रवाई करेंगे सर। अच्छा कार्रवाई का आश्वासन दे रहे पुलिस वाले? हाँ जी सर। आपकी पत्नी का नाम क्या था? मोहिनी। मोहिनी कहाँ शादी हुई थी आपकी? गंगा। कौन सी साल में, कौन सन, कौन हुई थी? सन हुई थी सर ये बोलो 21 में हुई थी सर। ये पहला बच्चा था? हाँ जी। सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरी करने गए चोरों को चोरी के औजारों के साथ दबोचा है। जिले के गोलहोरा पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिगनी हवा चौराहे पर निरंतर संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चेकिंग करते रहते हैं। इसी दौरान रात्रि में 3 चोर चौराहे पर मनोज जायसवाल की दुकान में चोरी कर रहे थे, तभी पुलिस ने चोरी के औजारों के साथ धर दबोच लिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी इटवा हरिश्चंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि निरंतर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुस्तैद है। आज रात्रि में जिगनी हवार चौराहे पर चोरी के औजार के साथ एक दुकान में चोरी करने के फिराक में थे, तभी पुलिस ने पकड़ लिया। इस संदर्भ में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर तीनों को जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेशानुसार अपराधियों को
थर पकड़ में अभियान चला है। इस क्रम में हमारी गोरा पुलिस टीम जिन्होंने वहाँ पर गश्त पे थी, वहाँ पर मनोज जायसवाल की दुकान पर ये तीनों चोर चोरी कर रहे थे, जिनके पास से निम्नलिखित सामान पाया गया है। इनके नाम नंबर एक है कोलेश्वर, जिसकी उम्र 20 साल है, दूसरा है सूर्यकांत, जिसकी उम्र करीब 17 साल है, और तीसरा है अमित, जिसकी उम्र 17 साल है। ये तीनों चोर वहाँ पर चोरी का प्रयास कर रहे थे, हमारी टीम द्वारा इनको पकड़ा गया और इनसे पूछताछ की जा रही है। वर्तमान में अभी इन पर चोरों का कोई इतिहास के बारे में पूछताछ की जा रही है, यदि अगर कुछ किसी अन्य का आएगा तो आपको बता दें। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज उधम सिंह नगर एक दिवसीय दौरे पर पंत नगर स्थित जीबी पंत यूनिवर्सिटी परिसर में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सेवा पखवाड़े के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उधम सिंह नगर के पंत नगर स्थित जीबी पंत यूनिवर्सिटी मुख्यमंत्री धामी पहुंचे, जहां परिसर स्थित सेवा पखवाड़े में प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली, समृद्ध एवं समरस भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज विश्व स्तर पर भारत का मान सम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। शहीदों के परिवार में जाकर उनसे भेंट करी और वहीं से सफाई अभियान शुरू किया। उसके बाद रक्तदान के कार्यक्रम पूरे दिन भर चले हैं पूरे राज्य में। फिर टीबी उन्मूलन को लेकर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने टीबी मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया है, उस पर भी हम लोगों ने 2024 तक भारत सरकार ने लक्ष्य लिया है 2025 तक हम टीबी मुक्त करेंगे। हमने उत्तराखंड के लिए लक्ष्य लिया है, जहाँ 15,000 से अधिक हमारे टीबी के छह रोगी हैं, उनको 2024 तक पूरी तरह से मुक्त करेंगे। इसी प्रकार से हमने यहाँ संकल्प लिया है कि हम ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाएंगे, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पर सफाई के अभियान को प्रारंभ किया है, आगे भी लगातार ये पखवाड़ा हमारा 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न विभिन्न सेवा क्षेत्रों में जाकर, अनेकों बस्तियों में जाकर, जहाँ रक्तदान के कार्यक्रम हैं, सेवा के कार्यक्रम हैं, अनेकों अनेक कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है, उस दिन से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक ये सारे कार्यक्रम चलेंगे और उत्तराखंड के अंदर हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को लेकर लोगों में अपार एक उत्साह है, एक लगाव है, एक स्नेह और अपनापन है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जहाँ शिखर पर पहुँचाने का काम किया है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान जो उन्होंने बनाने का काम किया है, वो वास्तव में हम सब लोगों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। वहीं उत्तराखंड में उन्होंने जहाँ पूरे यहाँ पर ऑल वेदर रोडें दी हैं, भारत माला श्रृंखला की रोडें दी हैं, यहाँ की आप देख रहे होंगे सारे के सारे हाईवे हमारे एकदम से दुरुस्त हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ हमारा एक एम्स ऋषिकेश में चल रहा था, वहीं दूसरा एम्स हमारे उधम सिंह नगर को मिला है, जल्दी ही उसका निर्माण कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। पंतनगर का हमारा हवाई अड्डा, इसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इसमें मैंने स्वयं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भेंट करी थी और सारे पहलुओं पर हमारी बात हो गई है, सभी विषय चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहाँ हमारे केदार बाबा का पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, उत्तराखंड के हमारे कुमाऊं मंडल में मानसखंड कॉरिडोर जो हमारा संकल्प है,
वह भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं स्टेप बाई स्टेप। सर देखिए स्वच्छता के मामले में उत्तराखंड पहला राज्य बने, उसके लिए जहाँ शौचालय देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियां, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी। अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।